देखिए स्टेप नंबर वन, बॉलर जॉइंट सी डिजाइन में मैं एक रफ स्केच खींच देता हूँ। मान लीजिए कि ये मेरा इस तरह से प्रेशर वेसल या बॉयलर मान लीजिए इस तरह से है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक ये जॉइंट दिखाया, तो इसको तो मैं कहूंगा सर्कमफ्रेंशियल जॉइंट, ये कहा जाएगा सर्कमफ्रेंशियल जॉइंट। ठीक है, तो अब ये पूरी जो लेंथ है यदि मैंने इसको यहाँ डिवाइड किया तो ये भी सर्कमफ्रेंशियल जॉइंट हुआ। सो दिस इज सी वन है ना, सर्कमफ्रेंशियल जॉइंट वन, सर्कमफ्रेंशियल जॉइंट टू, एंड सिमिलरली आई कैन से सर्कमफ्रेंशियल जॉइंट थ्री एंड सर्कमफ्रेंशियल जॉइंट फोर। ठीक है, म्यूट म्यूट कर लीजिए माइक को, या मैं म्यूट कर दूं सबको। म्यूट रखिए है ना, स्वयं ही म्यूट रखिए। सो सी वन सी टू सी थ्री सी फोर दीज आर द सर्कमफेरेंशियल जॉइंट्स। तो सी वन और सी टू के बीच में ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को हम कहते हैं सेल। सो हाउ मेनी सेल आर देयर, दिस इज सेल नंबर वन, सेल नंबर टू, सेल नंबर थ्री। ठीक है, और ये आपका कहलाता है डिसेंट। बाबा एंटरप्रेन्योर की चाय। हाँ, इसको कहते हैं डिसेंट। तो अब इस सेल को आप देखें तो ये सेल जो है किसी प्लेट से बनी होती है ना। मान लीजिए हमारे पास प्लेट है, ठीक है। अब इस प्लेट का जो भी साइज होगा एल बाई बी है ना, कुछ लेंथ होगी कुछ ब्रेथ होगी, दिस इज वन प्लेट। अब इस प्लेट को यदि मैं रोल करूं तो रोल करने के बाद ये क्या बन जाएगी, सेल बन जाएगी, और इसके बीच एक जॉइंट आ जाएगा है ना। इसके बीच क्या आ जाएगा, एक जॉइंट आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए मेरे पास ये पहली प्लेट है, फिर मेरे पास दूसरी प्लेट है ना। इन दोनों प्लेटों को यदि मैं यहाँ पर ज्वाइन करता हूँ है ना, विद द हेल्प ऑफ रिवेटिंग मेथड है ना, कोई भी मेथड से ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी हम रिवेटेड ज्वाइंट्स पढ़ रहे हैं। तो इस ज्वाइंट को, दोनों प्लेटों को हमने ज्वाइन किया है ना, तो ये वाला जो ज्वाइंट है ये ज्वाइंट कहलाएगा लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट, लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट। तो यदि हमारे पास एक ही प्लेट है और उसने उसे हमने रोल कर दिया, वी आर हैविंग ओनली सिंगल प्लेट एंड वी हैव रोल्ड इट, तो अभी हमारे पास इस केस में केवल एक ही जॉइंट आएगा एल वन है ना। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये एल वन जो है लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है ना। यदि हम दो प्लेटों को ज्वाइन करके, तो पहला जॉइंट तो यहाँ आ जाएगा, फिर रोल करने के बाद एक जॉइंट और आ जाएगा, तो वी आर हैविंग टू जॉइंट्स, सो एल वन एंड एल टू। दो लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट भी हो सकते हैं, एक सेल के अंदर तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमें कितना डायमीटर रिक्वायर्ड है। यदि हमें ज्यादा डायमीटर रिक्वायर्ड है तो हमें कई सारी प्लेटों को पहले ज्वाइन करना पड़ेगा, उसके बाद हमें रोल करना पड़ेगा है ना। तो कुल मिलाकर प्रेशर वेसल के अंदर या बॉयलर के अंदर दो तरह के जॉइंट्स होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स होते हैं और एक सर्कमफेरेंशियल जॉइंट्स होते हैं। तो बॉयलर जॉइंट्स कैन बी डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज, वन इज लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट एंड वन इज सर्कमफेरेंशियल। तो देखिए मैंने बॉयलर जॉइंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, वन इज लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स, इसको मैं कह रहा हूँ एल बी जे लॉन्गिट्यूडनल बट जॉइंट, और दूसरा जो है सर्कमफेरेंशियल लैप जॉइंट। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अभी हम शुरू करते हैं डिजाइन ऑफ दी लॉन्गिट्यूडनल बट जॉइंट। तो डिजाइन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बट जॉइंट में जो स्टेप्स हैं, डिजाइन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बट जॉइंट, तो सबसे पहला स्टेप है कि बॉयलर या प्रेशर वेसल की प्लेट थिकनेस क्या हो है ना। तो सेल थिकनेस कहें या प्लेट थिकनेस कहें, तो प्लेट थिकनेस इज गिवन बाय, वी आर रिप्रेजेंटिंग द प्लेट थिकनेस बाई टी, एंड टी इज गिवन बाय ई डी। आपको पता है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है प्रेशर वेसल के अंदर, ई डी बाई 40 होता है, ई डी बाई 40, और सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस कितना होता है, ई डी बाई 2 टी है ना। ई इज द प्रेशर, डी इज द डायमीटर, टी इज द थिकनेस है ना। तो यदि आप यहाँ से टी के लिए फॉर्मूला बनाएं तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा पी डी बाई 2 सिग्मा टी है ना, और यदि उस जॉइंट की इफिशियंसी से और मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा टी इक्वल टू पी डी बाई 2 सिग्मा टी।
तो प्लेट थिकनेस को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन से वाले स्ट्रेस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं? सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं। सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस का क्यों यूज करते हैं? बिकॉज सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस आर डबल ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस। ठीक है, तो PD बाई 2 सिग्मा टी ईटा, ठीक है, प्लस एक कोरोजन अलाउंस और ले लेते हैं, दैट इज CA। CA इज द कोरोजन अलाउंस। तो पहला स्टेप कंप्लीट होता है प्लेट थिकनेस कैलकुलेट करने के लिए। हमारे पास ये फॉर्मूला होगा, P प्रेशर होगा, प्रेशर इनसाइड द बॉयलर, D इज द डायमीटर ऑफ इंटरनल डायमीटर ऑफ द सेल ऑफ द बॉयलर, सिग्मा T इज द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस फॉर द मटेरियल मटेरियल ऑफ द प्लेट, एंड ईटा इज द जॉइंट इफिशियंसी, CA इज द कोरोजन अलाउंस। कोरोजन अलाउंस की वैल्यू जनरली यदि क्वेश्चन में ना दियो तो हम 1 से 2 मिलीमीटर के बीच ले लेंगे। प्रेशर वेसल्स और बॉयलर्स का मेन यूज क्या है? दे आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग द स्टीम्स एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना, स्टोरिंग द फ्लूइड्स एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो उसकी वजह से वहां पर कोरोजिव एनवायरमेंट की वजह से प्लेट थिकनेस में या तो हम लाइनर का यूज करते हैं, और इफ वी आर नॉट यूजिंग द लाइनर देन वी विल अलाउ द कोरोजन अलाउंस, है ना। तो मान लीजिए हमारा कैलकुलेशन में प्लेट थिकनेस 20 mm आ रहा है, तो हम पहले से ही कोरोजन अलाउंस ऐड कर देंगे। तो मान लीजिए हमने 1 mm का कोरोजन अलाउंस ऐड किया तो हमारी प्लेट थिकनेस हो जाएगी 21 mm, है ना। दैट्स व्हाई दिस टर्म हैज बीन टेकन, टू अवॉइड द कोरोजन की वजह से जो थिनिंग होती है प्लेट में, उसको अवॉइड करने। तो पहला स्टेप होता है प्लेट थिकनेस कैलकुलेट करना। दूसरा स्टेप होता है रिवेट डायमीटर, रिवेट डायमीटर। अब रिवेट डायमीटर के लिए यहाँ पे दो केस होते हैं। केस वन, यदि हमारी प्लेट थिकनेस 8 मिलीमीटर से अधिक है, इफ टी इज ग्रेटर देन 8 मिलीमीटर, तो डी इक्वल टू हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं 6√T, ना। इस फॉर्मूले को अनविन फॉर्मूला बोला जाता है, ना, वी यूज द अनविन फॉर्मूला फॉर द रिवेट डायमीटर, डी इक्वल टू 6√T व्हेन टी इज ग्रेटर देन 8, है ना। और यदि ऐसा नहीं है, केस टू, व्हेन डी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू टी हो, लेस देन इक्वल टू 8 mm हो, डी नहीं टी, व्हेन प्लेट थिकनेस इज लेस देन इक्वल टू 8 mm, सेकंड केस। तो उस केस में हम डायमीटर निकालने के लिए क्या करते हैं? सियरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द रिवेट इक्वल टू क्रशिंग रेजिस्टेंस ऑफ द रिवेट, PS इक्वल टू PC की हेल्प से हम डायमीटर को डिटरमिन करते हैं, डायमीटर को डिटरमिन करते हैं। अब PS के लिए आप क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं? शियरिंग रेजिस्टेंस क्या होता है? शियरिंग एरिया, है ना। सही, शियरिंग एरिया क्या हो जाएगा? पाई बाय 4D² एक रिवेट का एरिया मल्टीप्लाइड बाय n, n नंबर ऑफ रिवेट्स आर देयर, ठीक है। और यदि डबल शियर का केस होगा तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं होगा तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो मैं सिंपली बता रहा हूं कि आपको PS लिखना है एरिया इंटू स्ट्रेस, और PC लिखना है एरिया इंटू स्ट्रेस। शियरिंग रेजिस्टेंस और क्रशिंग रेजिस्टेंस को इक्वल करके हम डायमीटर को डिटरमिन कर लेंगे। डी इज द अननोन। सो सेकंड स्टेप इज रिवेट डायमीटर। नाउ कम टू द थर्ड स्टेप। सो थर्ड स्टेप इज वी आर गोइंग टू कैलकुलेट पिच। पिच इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। फॉर कैलकुलेटिंग द पिच व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट इक्वल टू शियरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द रिवेट्स, शियरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द रिवेट्स। ठीक है, ये सारे स्टेप हमको कहां से मिले हैं? IBR से मिले हैं। IBR का मतलब है इंडियन बॉयलर रेगुलेशन, इंडियन बॉयलर रेगुलेशन, है ना। ये कोड्स हैं जो कि बॉयलर की डिजाइन के लिए बने हुए हैं। उसमें स्टेप 3 के अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट इक्वल टू शियरिंग रेजिस्टेंस। टेंसाइल स्ट्रेंथ हम कैसे लिखेंगे? अब टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिखने के लिए सपोज दिस इज द रिवेट नंबर 1, दिस इज द रिवेट नंबर 2, रिवेट नंबर 3, रिवेट नंबर 4। इस तरह से हमें रिवेट्स मिल सकते हैं कहीं भी किसी सिस्टम में। तो हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो कैसे करते हैं? फ्रॉम दिस सेंटर टू दिस सेंटर दिस डिस्टेंस इज नोन एज पिच, दिस इज द पिच। So, what is this distance? This is given by P minus half of D. Half of D is this one, half of D is this one.
So P minus half D minus half D. So this will be equal to P minus D. So P minus D into thickness, it is the area for the tensile value. Now, per pitch calculation. When we are not knowing the width of the plate, we go for the per pitch calculation. So in the per pitch calculation, this width is given by P minus D. P minus D into T into sigma T, area into stress. So this is the tensile strength. Now come to the shearing resistance. So let pi by 4 D square is the area. And let the number of the rivets are N. N is the number of rivets. Out of N, some rivets will be in single shear, some rivets will be in double shear. किसी भी जॉइंट की ज्योमेट्री में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ रिवेट्स सिंगल शेयर में है, कुछ रिवेट्स डबल शेयर में है, है ना। तो हमने अज्यूम कर लिया अभी कि N1 रिवेट्स सिंगल शेयर में है, N2 रिवेट्स डबल शेयर में है। तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू N1 है ना इंटू टाउ, टाउ इज द शेयरिंग स्ट्रेस। सो दिस इज द एरिया, एरिया मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेस प्लस पाई बाय 4 डी स्क्वायर अगेन द एरिया। Number of the rivets are N2 which are in double shear. For the double shear, we will multiply by 1.875. And double shear ke liye generally to hum 2 se multiply karte hain. But Indian boiler regulation ke according, 2 ki figure ko 1.875 use kiya jata hai. We use 1.875 in place of 2 when we are working on the boiler design as per the IBR regulation. तो डबल शेयर के लिए वी विल मल्टीप्लाई 1.875, सो दिस इज द टोटल एरिया मल्टीप्लाइड बाय टाउ। सो दिस इज द शेयरिंग रेजिस्टेंस फॉर डबल शेयर, दिस इज द शेयरिंग रेजिस्टेंस फॉर सिंगल शेयर। बाय एडिंग वी गेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द शेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द रिवेट्स। सर ठीक है, हां बोलिए सर। 1.875 कैसे आ गया? 1.875 कैसे आ गया? देखो इसको समझाते हैं आपको, है ना। थोड़ा सा हम इसको इराइज कर लेते हैं पहले। देखो मैं हमें एक जॉइंट दिखा रहा हूं, ये तो मान ली और मेरी प्लेट है। ये क्या है? प्लेट है। प्लेट की थिकनेस कितनी है? टी है। तो जब मैंने प्लेट को रोल किया, है ना, मेरा ये पेपर दिख रहा है कि आपको मेरे हाथ में सबको, पॉइंट ऊपर मैंने एक कवर प्लेट लगा दी। लेट दिस इज द कवर प्लेट, ठीक है। ये टॉप कवर प्लेट हो गई। एक मैंने नीचे कवर प्लेट लगा दी, तो मान लीजिए बॉटम कवर प्लेट हो गई, ठीक है। अब मैंने यहां पर एक रिवेट लगा दिया, रिवेट की रो लगा दी, ठीक है। तो इस रिवेट वाली रो में हो सकता है एक रिवेट, दो रिवेट, तीन रिवेट, मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, चार रिवेट है मान लीजिए इसके अंदर फर्स्ट रो में, ठीक है। अब मैंने एक और रिवेट लगा दिया, दिस इज द सेकेंड रो। अब इस सेकेंड रो में भी मैंने नंबर ऑफ रिवेट्स लगा दिए, फर्स्ट रिवेट, सेकेंड रिवेट, थर्ड रिवेट, फोर्थ रिवेट। तो अभी मैंने ये जो सिस्टम है कैसा है? चेन सिस्टम है, चेन रिवेटिंग है ये। यदि मुझे जिगजैग लगाना होता तो मैं इन दोनों के बीच में लगा देता, वो तो डिपेंड करता है ज्योमेट्री कैसी होगी, ठीक है। अब मान लो मैंने थर्ड रो लगाई, तो थर्ड रो मैंने यहाँ पे लगाई। अब इस थर्ड रो के लिए फिर मैंने रिवेट्स दिखा दिए, तो मान लीजिए दिस इज फर्स्ट रिवेट, दिस इज सेकंड रिवेट, दिस इज थर्ड रिवेट, दिस इज फोर्थ रिवेट, ठीक है। अब टोटल रिवेट्स कितने हैं? 4 + 4 + 4, हाउ मेनी रिवेट्स आर देयर? 12 रिवेट्स आर देयर। तो मेरे लिए n की वैल्यू तो 12 है। अब इस 12 में से मुझे ये देखना है कि कितने रिवेट्स तो सिंगल शेयर में है और कितने रिवेट्स डबल शेयर में है। तो अब फिगर की ज्योमेट्री पे जाओ, ये वाले रिवेट्स को देखिए, इस रो को, इस रो में देखो, ये वाली जो रिवेट है ये टॉप कवर प्लेट में भी इंसर्ट है, प्लेट के अंदर भी है और बॉटम कवर प्लेट में भी है। तो ये वाली जो रो है रिवेट की, ये तीनों में होकर के पास हो रही है, टॉप कवर प्लेट, बॉटम कवर प्लेट एंड द प्लेट इटसेल्फ। तो जब वो तीनों में होकर पास हो रही है तो ये डबल शेयर वाली रो है। ये कौन सी वाली रो है? डबल शेयर वाली रो है। तो इसका मतलब ये रिवेट, दिस रिवेट, दिस रिवेट, दिस रिवेट, ये सब डबल शेयर में, ये चारों रिवेट किसमें है? डबल शेयर में। अब आप सेकंड रो पे देखिए, इस सेकंड रो को देखें तो ये भी तीनों में पास हो रही है, टॉप कवर प्लेट, बॉटम कवर प्लेट एंड द प्लेट इटसेल्फ। सो दैट्स व्हाई दिस रिवेट, दिस रिवेट, दिस रिवेट्स आर अगेन इन डबल शेयर।
ठीक है। अब थर्ड वाली रो पे देखिए, थर्ड वाली रो किसमें होके पास हो रही है, केवल प्लेट और बॉटम कवर प्लेट, टॉप कवर प्लेट में तो ये है नहीं। एक मिनट बात थोड़ा सा, तो ये जो है किसमें होके पास हो रही है, प्लेट और बॉटम कवर प्लेट में पास। तो ये जो रो है ये सिंगल सीयर की रो है, तो जब ये सिंगल सीयर की रो है तो इसका मतलब दिस रिवेट एंड दिस रिवेट आर इन सिंगल सीयर, ठीक है। तो टोटल रिवेट्स 12 हैं। अब 12 में से कितने रिवेट सिंगल सीयर में है और कितने रिवेट डबल सीयर में है? सिंगल में 4, डबल में, हाँ सिंगल में कितने हैं 4 और डबल में कितने हैं 8। 8 हो गई। तो अब मेरे लिए N1 की वैल्यू तो 4 हो गई और N2 की वैल्यू 8 हो गई। टोटल रिवेट्स N है, N के दो पार्ट हो गए, 4 रिवेट सिंगल सीयर में है और 8 रिवेट डबल सीयर में है, ठीक है। अब मुझे सीयरिंग रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखना है। तो सीयरिंग रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया एरिया मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेस, यही होता है। तो आप देखो कैसे लिखूंगा एरिया, तो एरिया मुझे पहले किन का लिखना पड़ेगा, पहले सिंगल सीयर वाले का एरिया लिखना पड़ेगा। तो एक रिवेट का एरिया कितना होता है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर होता है एक रिवेट का। और रिवेट्स कितने हैं सिंगल सीयर में, 4, तो इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये टोटल एरिया हो गया। टोटल एरिया को फिर मैंने टाउ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सीयरिंग रेजिस्टेंस हो गया। प्लस अब मेरे 8 रिवेट डबल शेयर में है, तो अब इनका एरिया कैसे लिखूंगा, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, तो एरिया हो गया एक रिवेट का मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रिवेट्स कितने हैं 8, और ये 8 रिवेट्स डबल शेयर में है, तो मुझे मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा 2000। लेकिन IBR कहता है, IBR मतलब इंडियन बॉयलर रेगुलेशन, ये कहता है कि आपको डबल शेयर के केस में 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको 1.875 से मल्टीप्लाई करना है। मेरी बात समझ में आई? Yes. यदि बॉयलर का केस नहीं है तो आपको 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यदि बॉयलर का केस है तो आपको 1.875 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अभी टोटल एरिया हो गया मल्टीप्लाइड बाई टाउ, तो अब ये मेरी PS के इक्वल हो गई शेयरिंग रजिस्टर। तो देखो अभी मैंने ये 4 जो लिखा है ये किसकी वैल्यू, N1 की वैल्यू है, तो मैं इसकी जगह N1 यूज कर सकता था, इस 8 की जगह मैं N2 यूज कर सकता था, ठीक है। तो मैंने यही तो फॉर्मूला लिखा था, पाई बाय 4 डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय N1 इनटू टाउ, ये हो गया सिंगल शेयर वाले रिवेट्स, प्लस पाई बाय 4 डी स्क्वायर इनटू N2 इनटू 1.875 इनटू टाउ, ये हो गया डबल शेयर वाले। और इस वाली इस टोटल रेजिस्टेंस को मुझे इक्वल करना है टेंसाइल स्ट्रेंथ से। टेंसाइल स्ट्रेंथ का क्या था, P माइनस D इंटू टी इंटू सिग्मा टी। मेरे ख्याल से जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है उनको अब क्लियर हो गया है कि हमने ये क्या किया है। वेरी गुड। तो अब इस फॉर्मूले से देखिए, यहां से मेरे को क्या निकालना है, पिच निकालनी है, ठीक है। तो देखो इसमें पाई बाय 4 डी स्क्वायर दोनों में कॉमन है, टाउ जो है वो दोनों में कॉमन है, टाउ क्या है दोनों में कॉमन है, तो कॉमन वाले वर्ड्स को कॉमन कर लो आप, तो अंदर क्या बचेगा बताओ, आपका बचेगा N1 प्लस 1.875 ब्रैकेट में कर लेते हैं, और बाहर हमको बचेगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय टी सिग्मा टी, ये टी सिग्मा टी नीचे आ जाएगा, तो टी सिग्मा टी हमने नीचे ले लिया, तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई, पी माइनस डी के इक्वल हो गई। तो यहां मैंने लिख दिया पी माइनस डी। अब इस माइनस डी को मैंने राइट साइड भेज दिया, तो राइट साइड भेजने पर ये हो गया प्लस डी, है ना, तो ये प्लस डी हो गया। तो इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, आई कैन कैलकुलेट द पिच, ठीक है। तो थर्ड स्टेप हमारा क्या था, पिच का ही था, तो हमने पिच को कैलकुलेट कर लिया। सो आई थिंक दीज थ्री स्टेप्स आर क्लियर, these three steps are clear. First step is plate thickness, second step is rivet diameter, and third step is pitch. ठीक है, अब बाकी जो step है वो बड़े आसान है। सर rivet diameter के केस में क्या करते हैं, एक बार फिर से बता दीजिए। rivet diameter वाला मतलब step 2 की बात कर रहे हैं आप, है ना? Yes, तो चलिए step 2 को एक बार दोबारा से आपके सामने रखते हैं। step 2 में हम क्या करते हैं, rivet का diameter calculate करते हैं, ठीक है। रिवेट का डायमीटर प्लेट की थिकनेस
कि थिकनेस के अकॉर्डिंग दो केस बनते हैं। पहला केस बनता है कि प्लेट की थिकनेस 8 मिलीमीटर से ज्यादा है, एक तो ये केस है। दूसरा केस है जब प्लेट की थिकनेस 8 मिलीमीटर से कम है। तो जब प्लेट की थिकनेस 8 मिलीमीटर से ज्यादा होगी, इन दैट केस डी इक्वल टू 6√t, ये हमें फॉर्मूला यूज करना है। और इस फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, अनविन फॉर्मूला कहते हैं। और यदि प्लेट थिकनेस इज लेस देन 8 मिलीमीटर, देन वी विल डू PS इक्वल टू PC, शियरिंग रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्रशिंग रेजिस्टेंस। अभी न्यूमेरिकल करेंगे हम। तो अब PS तो निकालना अभी मैंने बता दिया आपको, एरिया इनटू स्ट्रेस, एरिया अभी निकाला हमने शियरिंग रेजिस्टेंस, सिंगल शियर है तो सिंगल शियर का एरिया मल्टीप्लाइड बाई टाउ, डबल शियर है तो डबल शियर का एरिया मल्टीप्लाइड बाई टाउ, दैट इज द PS। और PC इस केस में भी वही है, क्रशिंग एरिया मल्टीप्लाइड बाय क्रशिंग रेजिस्टेंस, शियरिंग रेजिस्टेंस इज शियरिंग एरिया मल्टीप्लाइड बाय शियरिंग मल्टीप्लाइड बाय परमिसिबल शियर स्ट्रेस। और PC क्या है, क्रशिंग एरिया मल्टीप्लाइड बाय क्रशिंग स्ट्रेस, परमिसिबल क्रशिंग स्ट्रेस। तो ये दो केस बनते हैं इस केस में। तो स्टेप 3 हो गया। अब स्टेप 4 देखिए, बहुत आसान है, ट्रांसवर्स पिच। ट्रांसवर्स पिच इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रोज, है ना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय PT। तो PT के लिए जो फॉर्मूले हैं, दे ऑल फॉर्मूलाज आर गिवन इन डिजाइन डाटा बुक, ठीक है। PT के लिए सब एम्पेरिकल फॉर्मूले यूज होते हैं। तो चेन सिस्टम के लिए एक अलग फॉर्मूला होगा, जिगजैग सिस्टम के लिए एक अलग फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो उन फॉर्मूलों को कोई मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। व्हेन वी विल डू द न्यूमेरिकल, we will refer the tables or the rules which are given in data book. तो PT हमको empirically मिल जाएगा। तो जैसे chain system में पता लगा PT की value 2D है ना, वहां मिलेगा आपको PT equal to 2D। अब D already calculate हो चुका है step 2 में, तो transverse pitch अपने आपने calculate हो जाएगी। तो 2D जो है वो कब use होती है, chain system के लिए। और यदि हमारा zigzag system है rivet का, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 0.33P प्लस 0.67D, ये डाटा बुक में मिलेगा, ये भी डाटा बुक में मिलेगा। तो अब इसमें P क्या है, पिच, पिच वी हैव कैलकुलेटेड इन ऑलरेडी इन स्टेप नंबर 3। और D क्या है, रिवेट डायमीटर। तो 0.33P प्लस 0.67D, इसकी हेल्प से हम जो है इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टेप 4 इज आल्सो कंप्लीट। स्टेप 4 के बाद है ना स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में क्या करते हैं, मार्जिन कैलकुलेट करते हैं। और मार्जिन के लिए फॉर्मूला होता है 1.5D। स्टेप 5 इज कंप्लीट। स्टेप 5 के बाद स्टेप 6, ये सब एम्पेरिकल हैं, कुछ भी नहीं है। शुरू के 3 स्टेप इंपॉर्टेंट है ना, बाकी सब उनसे रिलेटेड है। तो m इक्वल टू 1.5D। स्टेप 6 में क्या करते हैं, T1 निकालते हैं। T1 क्या है, स्टेप प्लेट थिकनेस, कवर प्लेट थिकनेस। T is the main plate thickness, T1 is the cover plate thickness. Cover plate thickness जो है वो कैसे निकलती है, 0.75T और 0.625T, ये दो फॉर्मूले यूज होते हैं, है ना। ये मान लीजिए दोनों प्लेट अलग अलग थिकनेस की हैं, है ना, बॉटम एंड टॉप। तो उस केस में 0.75T एंड 0.625T, इफ बोथ द प्लेट्स आर ऑफ इक्वल थिकनेस, then in that case we use T1 equal to 0.625T multiplied by P minus D divided by P minus 2D. तो ये फॉर्मूले भी कहाँ पे गिवन है, डाटा बुक के अंदर गिवन है। तो 6 स्टेप हुए, ठीक है। तो आई थिंक इट इज क्लियर, 6 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप फिर से मैं जरा सा समराइज कर देता हूँ। फर्स्ट स्टेप इज प्लेट थिकनेस, सेकंड स्टेप इज रिवेट डायमीटर, थर्ड स्टेप इज पिच, फोर्थ स्टेप इज मार्जिन, फोर्थ स्टेप इज ट्रांसवर्स पिच, फिफ्थ स्टेप इज मार्जिन, सिक्स्थ स्टेप इज द कवर प्लेट थिकनेस। अरे लास्ट में बता दीजिए। हाँ आप बोलिए, यदि इनमें कोई डाउट है सिक्स्थ स्टेप में। सर एक लास्ट वाला बता दीजिए। लास्ट वाला, यस सर। ओके, इसलिए मैं थोड़ा सा लास्ट वाले को कवर प्लेट थिकनेस। तो देखो अभी मैंने एक डायग्राम बनाया था, ये मेरी मेन प्लेट है, ठीक है। मेन प्लेट के अंदर ये जॉइंट आ गया, यही तो जॉइंट है, ठीक है। अब इस जॉइंट को बनाने के लिए मुझे एक कवर प्लेट ऊपर यूज करनी पड़ती है, एक कवर प्लेट नीचे यूज करनी पड़ती है, ठीक है। अब बताओ ये दोनों कवर प्लेट, एक की थिकनेस T1, एक की थिकनेस T2, ठीक है। तो T1 के लिए फॉर्मूला क्या हो, ये T1 है, दिस इज T1, दिस इज T2, दिस इज T, मेन प्लेट। तो T1 के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 0.75T
और T2 के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 0.625T। समझ में आ गई बात? ये जब यूज करते हैं जब दोनों की लेंथ अलग अलग होती है, दोनों की थिकनेस अलग अलग होती है, ठीक है। जब दोनों की थिकनेस सेम होती है ना भाई, दोनों की थिकनेस सेम भी तो हो सकती है, तो सेम होने के केस में है ना हम यूज करते हैं 0.625T पी माइनस डी डिवाइड बाई पी माइनस टू। आई थिंक इट इज क्लियर ना? ठीक है। Yes, तो ये 6 स्टेप हो गए आज की क्लास में, हमने यही पढ़ा है। और जो आप पूछ रहे थे कि क्या क्या वैल्यूज होती हैं, यूजुअल स्टैंडर्ड वैल्यूज है ना, तो ये सब स्टैंडर्ड वैल्यूज ही हैं। 0.75T स्टैंडर्ड वैल्यू है, 0.625T स्टैंडर्ड वैल्यू है, पिच के लिए जो स्टैंडर्ड वैल्यू है 3D होती है ना, एम के लिए 1.5D होती है, ठीक है। चैन रिवेटिंग के लिए ट्रांसवर्स पिच 2D होती है, जिगजैग रिवेटिंग के लिए ट्रांसवर्स पिच जो है 0.33T प्लस 0.67D होती है। तो ये सब स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने एक तो बट जॉइंट को कवर कर लिया है और थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्मूलों को भी। सर मार्जिन क्या होती है? मार्जिन ये होती है कि देखो, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक रिवेट की रो लगाई, पहली रो, ठीक है, दूसरी रो, ठीक है, दो ही रो लगाई मान लो। तो अब ये लास्ट जो सेकंड रो है उससे प्लेट का जो एज है, प्लेट का जो किनारा है वो कितनी दूर है, उसको हम मार्जिन कहते हैं। तो ये देखा गया है कि यदि हम मार्जिन की वैल्यू को एक सर्टेन वैल्यू से कम रखेंगे तो मार्जिन पर फेल्योर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, है ना। तो हमारा जो बॉयलर है या प्रेशर वेसल है वो पता लगा मार्जिन पे फेल हो जाता है यदि मार्जिन की वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू से कम रखी जाए, है ना। तो मार्जिन क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द एज ऑफ द प्लेट एंड द आउटर रो ऑफ द प्लेट एंड द आउटर रो ऑफ द रिवेट्स, ठीक है। रिवेट के सेंटर से प्लेट का किनारा कितनी दूर है ना। अब इसको जरा सा टॉप व्यू से समझाते थे। मान लो कि ये टॉप व्यू है, अब इस टॉप व्यू के अंदर रिवेट्स की रो लगी, मान लो ये जॉइंट्स है और यहाँ रिवेट्स की रो लगी है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, ये दूसरी, पहला फर्स्ट रो में 3 रिवेट, दूसरी रो में 3 रिवेट, मान लो इस तरह से केस है। तो अब मार्जिन क्या है? मार्जिन है प्लेट का सेंटर, रिवेट का सेंटर, और सेंटर से प्लेट का किनारा कितनी दूर है, तो ये डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? मार्जिन। अब आप वर्टिकल में देखो, इस सेंटर से ऊपर का किनारा कितनी दूर है, तो ये भी मार्जिन है। दिस इज ऑल्सो मार्जिन, दिस इज ऑल्सो मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, वर्टिकल मार्जिन, दोनों इक्वल रखी जाती हैं। तो उस एम के लिए जो स्टैंडर्ड है वो 1.75D है। इसको नीचे से भी देख सकते हैं आप, जैसे कि मान लो ये रिवेट का सेंटर है, ये वाला, अब इसका ये प्लेट का एज है तो ये भी एम हो गया, यहां से ये भी एम हो गया। मेरी बात समझ में आ गई आपको? मार्जिन को कई तरीके से देखा जा सकता है, रिवेट सेंटर और एज के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज द मार्जिन। आई थिंक इट इज क्लियर जिसने पूछा है। तो अब आज की क्लास को हम एंड कर सकते हैं, है ना। आज हमने, अब कल के नेक्स्ट क्लास में हम जो है ना न्यूमेरिकल करेंगे इस पर, बॉलर जॉइंट पर। सर हाँ, अरे P इक्वल टू 3D बॉलर केस में होता है? P इक्वल टू 3D एक जनरल वैल्यू है पिच के लिए। जैसे हम अभी तो हम पिच कैलकुलेट कर रहे हैं स्टेप 3 से बॉलर के केस में, तो बॉलर के केस में P इक्वल टू 3D नहीं लेंगे। कोई वैसा ही जनरल कोई जॉइंट है, कहीं आप डिजाइन कर रहे हैं और वहां पे पिच कैलकुलेट नहीं हो पा रही है, पिच को स्टैंडर्डाइज यूज करना है, तो उस केस में रिवेट डायमीटर यदि कैलकुलेट हो चुका है तो पी इक्वल टू 3D ले सकते हैं। ओके सर, एक यूजुअल वैल्यू है स्टैंडर्ड, बट बॉलर के केस में नहीं यूज करेंगे। बॉलर के केस में तो निकालेंगे फॉर्मूला बेस्ड, क्योंकि बॉयलर थोड़ा सा सेंसिटिव इक्विपमेंट है, स्टीम इज स्टोर्ड एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो यहाँ पर रिस्क ज्यादा रहती है, सेफ्टी फीचर ज्यादा इन्वॉल्व है। तो पूरा का पूरा एक एक्ट बना हुआ है, इंडियन बॉयलर रेगुलेशन है ना। तो जब कभी किसी इंडस्ट्री में बॉयलर मैन्युफैक्चरिंग, सर ट्रांसवर्स पिच इक्वल टू 0.8P कब होता है? ट्रांसवर्स पिच इक्वल टू 0.8P कब होता है और 0.6P कब होता है ना? यस सर, ये पूछ रहे हैं आप? यस सर, जो जनरल जॉइंट्स होते हैं ना, मतलब एक्सेप्ट बॉयलर, बॉयलर को छोड़ दो, जो जनरल जॉइंट्स होते हैं उस केस में PT इक्वल टू 0.8P होता है जब चैन रिवेटिंग होती है, और 0.6P होता है जब जिगजैग रिवेटिंग होती है ना, एक्सेप्ट बॉयलर। और यदि बॉयलर है तो उस केस में PT की जो वैल्यूज हैं वो 2D और 0.33P प्लस 0.67D है ना, ये होती हैं। और ये सारी वैल्यूज डेटा बुक में गिवन है ना।
मेमोराइज भी नहीं हो रही है, फिगर नहीं याद हो रही है, तो दे आर गिवन इन डाटा बुक. यू कैन रेफर डाटा बुक इन द एग्जाम एंड अटेम्प्ट योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट. ठीक है, तो 0.8P और 0.6P कब होती है? जो विदाउट बॉयलर्स, सिंपल जॉइंट्स. और जो बॉयलर के लिए अलग रेगुलेशन है ये जो मैंने अभी डिस्कस किया.